जय हिंद दोस्तों। दुनिया में समय समय पर विद्वान पैदा होते रहे हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया और डिजिटल की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे बहुत सारे विद्वान प्राचीन और मध्यकालीन युग में हुए हैं जिनमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वाराहमिहिर जैसे विद्वान भारत की इस पवित्र धरती पर पैदा हुए हैं। इसके अलावा एशिया महाद्वीप और विश्व के अन्य देशों में भी कई वैज्ञानिक और विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने वक्त के पहियों को ही बदल कर रख दिया था। उनमें से एक नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, जिन्हें मुख्य तौर पर अल ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में अल ख्वारिज्मी का पवित्र स्थान है। आज हम जिस डिजिटल की दुनिया में रहते हैं उसकी नींव में अल ख्वारिज्मी का नाम पहली पंक्ति में आता है। अल ख्वारिज्मी का जन्म 780 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारज्म में हुआ था। बाद में उनका परिवार बगदाद में जाकर रहने लगा। हालांकि अल ख्वारिज्मी की जिंदगी और उनकी कुछ किताबों के प्रमाण की जानकारी के तथ्य कम ही हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा लिखी गई कई किताबें और उनके वैज्ञानिक आविष्कार हमारे पास इतिहास में मौजूद हैं। अल ख्वारिज्मी एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता थे। अल ख्वारिज्मी को बीजगणित और एल्गोरिदम का जनक कहा जाता है। इनका नाम ख्वारिज्मी ही आज तक इनकी पहचान बना हुआ है। ख्वारिज्मी एक फारसी भाषा का नाम है। लैटिन भाषा में अगर ख्वारिज्मी को ट्रांसलेट करते हैं तो ख्वारिज्मी का मतलब एल्गोरिदमी बनता है। यह लैटिन नाम एल्गोरिदमी अंग्रेजी में बदला गया तो यह अब एल्गोरिदम कहलाता है। ख्वारिज्मी ने एल्गोरिदम से गणितीय समस्याओं को हल किया। एल्गोरिदम की खोज और उसके आविष्कार के बाद अल ख्वारिज्मी ने एल्गोरिदम पर इतना काम किया कि आगे भविष्य में चलकर गणित की बाकी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक हो सके। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो एल्गोरिदम कंप्यूटर विज्ञान की आधारशिला बन गया। अर्थात एल्गोरिदम के अस्तित्व के बिना हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और आज के समय में एल्गोरिदम आधुनिक कंप्यूटर की धड़कन है जो सर्च इंजन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज को शक्ति प्रदान करता है। अल ख्वारिज्मी ने एल्गोरिदम के अलावा बीजगणित की भी खोज की थी। अल ख्वारिज्मी को बीजगणित का पिता कहा जाता है। बीजगणित का नाम अल ख्वारिज्मी की एक प्रसिद्ध किताब अल किताब अल मुख्तर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला से लिया गया है। अल जबर से बीजगणित का निर्माण हुआ है। अंग्रेजी भाषा में बीजगणित को अलजबरा कहा जाता है। अल ख्वारिज्मी ने गणित में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। गणित में रैखिक द्विघात समीकरण उनकी महान उपलब्धि है। इसके अलावा अल ख्वारिज्मी ने समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले एक्स को पेश करने वाले वह पहले गणितज्ञ थे। अल ख्वारिज्मी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजगणित को अंकगणित से अलग विषय माना था। अल ख्वारिज्मी के बीजगणित की खोज पर आधारित प्रश्नों को आज भी आधुनिक दुनिया में गणित की किताबों में पढ़ाया जाता है और वैज्ञानिक शोधों और रिसर्च में बीजगणित अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 9वीं सदी की शुरुआत में अल ख्वारिज्मी जब बगदाद आए तो उस समय बगदाद में शक्तिशाली अब्बासी वंश के खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी। खलीफा हारून रशीद ने बगदाद में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की थी। खलीफा हारून रशीद के बेटे अल मामून ने बगदाद में खगोलीय अनुसंधान के लिए कई वेधशालाएं बनवाई थी। हाउस ऑफ विजडम और इन सभी वेधशालाओं के प्रमुख अधिकारी सभी रिसर्चर अल ख्वारिज्मी की देखरेख में ही काम करते थे। खलीफा अल मामून खुद भी एक खगोलीय रिसर्चर थे, जिस वजह से अल ख्वारिज्मी का योगदान गणित क्षेत्र से कहीं और आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने भूगोल में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने त्रिकोणमिति, सूर्यघड़ी, मानचित्र, खगोल सारणी पर अपनी अमीट छाप छोड़ी और कई नई नई खोजें की। भूगोल पर उनके काम से विश्व के अधिक स्टिक मानचित्र बनाने में मदद मिली। खगोल विज्ञान पर उनकी रिसर्च से कैलेंडर और खगोल तालिकाओं की स्टिकता में सुधार करने में मदद मिली। संख्याओं को दर्शाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अंकों का प्रयोग शुरू किया, जिससे गणना करना आसान हो गया। अल ख्वारिज्मी ने इन वेधशालाओं में चंद्रमा और सूर्य पर कई रिसर्च किए। अल ख्वारिज्मी ने एक ही स्थान पर 22 सितारों के अक्षांश और देशांतर की तालिकाएं बनाई और साथ ही 500 शहरों की अक्षांश व देशांतर रेखाएं भी बनाई। खलीफा अल मामून ने अल ख्वारिज्मी से कई बड़े शहरों की दूरियां मापने का आदेश दिया।
तो अल-ख्वारिज्मी ने कई बड़े शहरों की दूरियों को चंद्रमा को आधार बनाकर मापा। आज के समय में मापी गई उन शहरों की दूरी और अल-ख्वारिज्मी द्वारा 9वीं सदी में मापी गई दूरी लगभग लगभग समान है। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखने में अल-ख्वारिज्मी की रिसर्च ने सबसे ज़्यादा मदद की और यह आज भी प्रभावशाली है। अल-ख्वारिज्मी ने कई किताबें लिखी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें इस प्रकार हैं। पहली किताब सूरत अल अर्द, हिंदी में इस किताब का अर्थ है पृथ्वी की छाया। यह किताब पूर्णतः भूगोल पर आधारित है। दूसरी है जिज अल सिंदीद, यह किताब खगोल शास्त्र पर आधारित है। इसमें ग्रह व ग्रहणों के साथ साथ पहाड़ों, नदियों, द्वीपों के अलावा पृथ्वी का सटीकता से वर्णन किया गया है। तीसरी किताब है किताब अल तारिक, यह किताब उनकी लुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि यह किताब इतिहास पर आधारित थी। चौथी किताब अल किताब अल मुख्तर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, जिसे अंग्रेजी भाषा में द कंपेंटिजस बुक ऑफ कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड ब्लेसिंग के नाम से अनुवाद किया गया है। इसी किताब में अल-ख्वारिज्मी ने बीजगणित की अवधारणा को पेश किया है। सन 1850 ईस्वी में बगदाद में अल-ख्वारिज्मी की मृत्यु हो जाती है। जय हिंद।